मधवापुर प्रखंड के लोमा उच्च विद्यालय परिसर में T20 नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका सलेमपुर पंचायत के सरपंच अजय भगत ने फीता काट कर उद्घाटन किया। नाइट मैच में उतरा रहीमा मुखियापट्टी समेत कुल 9 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच रहीमा बनाम मुखियापट्टी के बीच खेला गया, जिसमें रहीमा की टीम मैच को जीत लिया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सरपंच अजय भगत ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलनी चाहिए। आज खेल में भी युवा अपना भविष्य तलाश रहे हैं, खेल को भी करियर के रूप में लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नाइट मैच के आयोजन से जहां एक तरफ समय की बचत होती है, तो दूसरी तरफ कम समय में पूरी टूर्नामेंट को ही एक रात में देख सकते हैं। यह आयोजन युवाओं के द्वारा उत्साहवर्धन के रूप में किया गया है। मौके पर आयोजक सुरेंद्र प्रसाद, धर्मवीर दीवाना, राकेश कुमार, जितेंद्र कुमार, बालेश्वर प्रसाद, राम प्रमोद यादव, अमरेश समेत अन्य गण्यमान्य लोग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। बहुत ही खुशी की बात है कि इस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल के प्रांगण में आज हमारे इस इलाके के जो नया पीढ़ी के प्लेयर्स हैं और यहां पर इस चारों तरफ के जो गणमान्य लोग इस मैच को देखने के लिए आए हैं, वो बड़ी ही खुशी की यह क्षण है। और सभी गार्जियंस और जो हमारे सरपंच साहब है, मालेश्वर जी है, डॉक्टर साहब है, उमेश जी है और बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं और दर्शक हैं, हम लोग सभी को धन्यवाद देते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वह खेल की भावना से अच्छी तरह से साफ सुथरी जो एक क्रिकेट होता है वह खेलें। और दर्शकों से हम लोग कहना चाहेंगे कि सभी दर्शक खेल का आनंद ले और चौका होता है, विकेट गिरती है, उस पर जो है तालियों से खिलाड़ी का हौसला अफजाई करें और उत्साह उमंग के साथ हम लोग इसे ग्राउंड पर आज के इस नाइट मैच को यादगार बनावे, यही हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं और यहां तमाम लोगों से यह कहना चाहेंगे कि शांति पूर्वक इस मैच का आनंद लें। मिलता है और यह नाइट मैच जो आयोजक कराए हैं उसको हम लोग बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि नाइट मैच ग्रामीण इलाके में हम लोग देखते हैं कि प्रायः नहीं के बराबर होता है, लेकिन इस सुदूर ग्रामीण इलाके में नाइट मैच करवा करके इस एरिया के जो युवा वर्ग हैं, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनको एक बहुत ही अभ्यास करने का, नाइट मैच खेलने का एक अलग आनंद होता है। और नाइट मैच में जो हम प्लेयर्स लोग जो प्रदर्शन करते हैं, उनको आने वाले जीवन में इसी प्लेयर्स में कोई आगे बढ़ेंगे तो उनको नाइट मैच का आनंद और नाइट मैच में खेलने का भी से अगर प्रयास रहेगा तो जरूर कभी उनको मिलेगा आगे जा करके प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर या रणजी ट्रॉफी होती है वहां तक अगर प्लेयर पहुंचते हैं तो उनको बहुत ही यह मैच जो है अभ्यास मैच या क्या कहते हैं इसको सीमित ओवर का मैच, बाउंड्रीज मैच खेलने से उनके अभ्यास में तरक्की होगी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो आगे जीवन में जो है कहीं भी खेलेंगे तो यह चीज़ उनको जो है कहीं ना कहीं फायदा देगा क्योंकि उनका अभ्यास पहले से हुआ रहेगा, उनको खेलने में परफॉर्मेंस देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम सभी लोग गार्जियन जितने भी हैं सब लोग धन्यवाद देते हैं आयोजक को और सारे जो यहाँ पर भाग लिए हैं जो भी टीम, वो सारे टीम को धन्यवाद देते हैं कि आप यहां आकर के नाइट मैच खेल रहे हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि सभी टीमें जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल होता है उस खेल का जो दायरा बढ़ाया गया है केवल विश्व स्तर पर एक शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए, एक दूसरे देश के प्लेयर्स को जानने का यह संदेश है और सभी एक दूसरे से मिल करके और इस खेल का आयोजन करते हैं, उनमें
अनुशासन सबसे बड़ी होती है, क्योंकि देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां कहीं भी मैच होता है, प्लेयर्स लोग टीमें बहुत कुछ थोड़ी सी बहुत लापरवाही के कारण जो आपस में झगड़ने लगते हैं, विवाद होता है। हम लोग चाहेंगे सभी टीम के कप्तान से और यहां के आयोजक से, यहां के दर्शकों से, कि खेल की भावना से यहां पर खेल हो, सभी मिलकर इस खेल में सहयोग करें और शांति पूर्वक हम लोग इस खेल का आनंद लें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सभी से आशा और विश्वास है हम लोगों को कि आप लोग बहुत ही अच्छा ढंग से क्रिकेट खेलेंगे और दर्शक भी यहाँ का जो है खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करने के लिए जहाँ तक सहयोग होगा वह दर्शक भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, आप लोग का सहयोग करेंगे। आप लोग इत्मीनान से, शांति से, प्रेम से और डिसिप्लिन से इस खेल का मेंटेन करें और इस रात्रि मैच का भरपूर आनंद लें। धन्यवाद। का अभिभावक है और युवा को देख रहे हैं कि काफी उत्साहित है इस मैच को लेकर के, तो क्या कहेंगे युवाओं के लिए? खेल तो युवा का ही खेल ही है और नाइट मैच में विशेषता है कि इसमें समय का बचत होता है। हम 8 दिन में जितना काम कर पाएंगे उतना हम एक ही रात में कर लेते हैं, इसलिए इसमें बहुत समय का बचत होता है और खेल का मानव जीवन में विशेष महत्व है। खेल के द्वारा अनुशासन बच्चे को सीखने को मिलता है, खेल के द्वारा भाईचारा देखने को मिलता है, ये सब युवा को इस खेल के माध्यम से समझ में आता है। भाईचारा क्या है, अनुशासन क्या है और एकता क्या है, एकता का प्रतीक भी खेल को माना गया है, इसीलिए हमारे जीवन में खेल का महत्व है और ग्रामीण यही चीज है। सबसे पहले जो भी आयोजक कमेटी के सदस्य हैं, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति में और ख़ास करके रात्रि मैच में बहुत सारी व्यवस्था करनी होती है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने आयोजन किया और यहाँ जो देखने आए हैं हमारे जो अभिभावकगण हैं, वालेश्वर जी हैं, राम प्रबोध जी हैं और तमाम लोग जो यहाँ देखने आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना दर्शक के, बिना उपस्थिति के जो आयोजन है वो सफल नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कहीपुरा के जो युवा लड़के हैं उनकी जो एकता है, निश्चित रूप से यह एक संदेश देने के लायक है। युवाओं को संदेश यहाँ से कई गांव पंचायत में जाता है। ये तो आप देख रहे हैं कि शॉर्ट बाउंड्री का आयोजन ये लोग रात में कर रहे हैं, लोग बड़ा बड़ा टूर्नामेंट भी कराते हैं लेकिन इनके पास फील्ड का ही अभाव है और मैदान के अभाव के चलते ही ये लोग बड़ा आयोजन नहीं करा पाते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि जिस तरह के पहिपुरा के युवा लड़कों में जो एकता है और जो सोच है, निश्चित रूप से बड़े बड़े टूर्नामेंट यहाँ देखने को मिलते अगर उस तरह का मैदान उपस्थित होता। बहरहाल मैं एक बार फिर से आयोजक कमेटी, तमाम दर्शक बंधुओं को ग्राम पंचायत राज सलमपुर की तरफ से आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और बहुत खुशी की बात है कि रात्रि में यह आयोजन है सफल हो और एक अच्छा संदेश। बात रही सरपंच साहब स्टेडियम की, तो स्टेडियम के लिए जिस तरह से हमारी बात यहाँ के जो लोकल विधायक है और CEO है उनसे हमारी बात हो रही थी, जो सलमपुर का जो विद्यालय है वहाँ एक ग्राउंड है, स्टेडियम के लिए प्रखंड स्तर पर उस जमीन का चयन किया जाना है, तो सलमपुर पंचायत में अगर स्टेडियम बनता है तो कितने फायदे होगा यहाँ के युवाओं को? निश्चित रूप से यह समझिए कि बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। प्रखंड अंतर्गत एक स्टेडियम का तो निर्माण होना है और यह जमीन का चयन अगर सलमपुर पंचायत के अंदर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सलमपुर पंचायत के युवाओं के लिए नहीं, पूरे प्रखंड के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी और ये गौरव की बात होगी। नाइट टूर्नामेंट 8 टीम भाग लेगी और यह 8 ओवर का होगा और 9 प्लेयर इसमें खेलेंगे, तो लगभग पूरी रात लग जाएगा और इसको हम अच्छी तरह सफल बनाएंगे। यह जो नाइट मैच का आयोजन है, क्या उद्देश्य है इसका? एक्चुअली नाइट मैच तो बहुत अच्छा होना चाहिए,
और हमारा भी विश्वास है कि हम अच्छा से कराएंगे। और एक दिन में अभी काफ़ी धूप होता है, इसीलिए हमने सोचा कि मतलब दिन का मैच नहीं होने के कारण रात को शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट कराए और अच्छे से मतलब दर्शक आनंद ले। दिन में धूप के कारण दर्शक आनंद नहीं ले पाएंगे, इसके लिए नाइट मैच हमने कराया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।